हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रिटी फाई बाय सुरभी आप लोगों को मेरी इंटरव्यू एंड ग्रूमिंग स्किल्स वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इट्स सच अ वंडरफुल रिस्पांस आज उसी सीरीज की एक नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आई हूँ मुझे बहुत क्वेश्चंस आए रिगार्डिंग ड्रेसिंग एंड स्पेशली ड्रेसिंग इन द इंडियन वेयर सो ऑल यू गर्ल्स आउट देर हु आर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़ एंड यू वांट टू वेयर इंडियन वेयर तो ये वाली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी टिप्स दूंगी अगर आप इंटरव्यू में अपेयर करने वाले हैं और आप इंडियन वेयर पहनना चाहते हैं तो क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए मैं वो सारे डूज एंड डोंट्स बताऊंगी जो आपको दिमाग में रखने हैं अगर आप इंडियन वेयर पहन के इंटरव्यू में अपेयर कर रहे हैं सो बात करते हैं कुर्ता एंड कुर्ती की जो आपको इंटरव्यूज़ में पहनने हैं सो सबसे पहले उसमें स्टाइल्स किस तरह के आपको सेलेक्ट करने चाहिए और किस तरह के सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करने चाहिए तो वो स्टाइल्स जो बिग नोनो हैं वो हैं अनारकली सी कट ड्रॉप बैक एंड ए सीमेट्रिक तो इनमें से कोई भी तरह के सूट्स आप इंटरव्यू में नहीं पहनेंगे इस तरह के स्टाइल के सूट्स आप इंटरव्यू में नहीं पहनेंगे अगर ये सब नहीं पहनेंगे तो कौन से पहनेंगे यू विल जस्ट वेयर अ रेगुलर फिट और अ स्ट्रेट फिट कुर्ता एट मैक्स यू कैन वेयर अ स्लाइट ए लाइन कुर्ता जो कि या तो नी लेंथ या काफ़ लेंथ हो नो एंकल लेंथ कुर्ताज़ एंड नो थाई कुर्ताज़ थाई लेंथ कुर्ताज़ कोई भी बिल्कुल शॉर्ट कुर्ताज़ कि आप ये बोलें कि भाई सुरमी मैम ने बोला था कि कुर्ता पहन सकते हैं तो इसलिए हमने कुर्ती पहनली छोटी सी जस्ट अप कवरिंग कुर्ती वो बिल्कुल नहीं करनी है तो आपको मिनिमम नी लेंथ या फिर काफ लेंथ का कुता पहनना है जो कि रेगुलर फ़िट या स्ट्रेट फिट कुर्ता हो किस तरह के फैब्रिक्स बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं सो यू विल नॉट वेयर एनी शाइनी शिमरी नेट फैब्रिक शिफॉन जॉर्जेट, इस तरह के आप फैब्रिक बिल्कुल भी इंटरव्यूज़ में नहीं पहन के जाएंगे आर्ट सिल्क आर्ट सिल्क का क्या रीज़न है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शाइन होती है यू कैन वेयर अ कॉटन कुर्ता यू कैन वेयर अ सिल्क कुर्ता अ प्योर सिल्क कुर्ता यू कैन वेयर लिनन यू कैन वेयर जूट यू कैन वेयर रेन और रेन uh, के साथ अगर सिल्क ब्लेंड हो या मोडाल uh, सिल्क हो तो वो अच्छा रहेगा प्योर रेन प्योर विस्कॉस ना पहने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रश होता है तो इंटरव्यू में आपको पता नहीं कितनी देर वेटिंग लगे रेन और विस्कॉस मुडाल ये तीनों फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल हैं बहुत अच्छे हैं समर्स के लिए लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि थोड़े क्रश हो जाते हैं अगर ये ब्लेंड में अवेलेबल हो थोड़ा सा तो बहुत अच्छा रहेगा बात करें डिटेलिंग की किस तरह की वर्क किस तरह की एम्ब्रॉयड्री अलाउड है तो आप कोई भी गोटापर्ती वर्क कोई भी मिरर वर्क कोई हैवी एम्ब्रॉयडरी इवन इफ इट इज़ रेशम वर्क बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं पहनेंगे टू मच ऑफ़ लेस टू मच ऑफ़ यू नो बीडिंग बहुत ज़्यादा शाइन कोई पैच वर्क बहुत ज़्यादा इस तरह की कोई भी डिटेलिंग वाला कुर्ता आप नहीं सिलेक्ट करें किस तरह की एम्ब्रॉयडरी एक्सेप्टेबल कंसिडर करी जा सकती है बहुत हल्का सा काम हो बहुत हल्की सी डिटेलिंग बिल्कुल पतला सा कुछ एक लाइन बनी हुई हो एम्ब्रॉयडरी कुर्ता पट्टी के साथ साथ एक हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी हो उस तरह का कुछ डिजाइन चल जाएगा कलर ऑन कलर वाली एम्ब्रॉयडरी चल सकती है बहुत पतली सी बीडिंग या बहुत पतली सी पाइपिंग निकली हो वो कर सकते हैं वो भी गोल्डन सिल्वर इस तरह के शॉकिंग कलर्स में नहीं सटल uh, कलर्स की अगर एम्ब्रॉयडरी और पाइपिंग है वो चल जाएगा बेसिकली हल्की सी रेशम एम्ब्रॉयडरी एक्सेप्टेबल होती है और चल जाती है इंटरव्यूज में लेकिन वो भी बहुत सटल सी होनी चाहिए हल्की सी बैंड कॉलर पर या नेकलाइन स्लीव्स पे हो बस पूरे पूरे ऐसे बड़े बड़े पैचेस बने हो वो सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किस तरह के कलर्स बिल्कुल ना पहने एनीथिंग विच इज टू शॉकिंग टू ब्राइट टू डार्क और मे बी न्योनिश वो तो बिल्कुल भी नहीं बिकॉज वो डिस्ट्रैक्ट करेगी वो आपकी पर्सनैलिटी से उस सारा टेंशन अपनी ओर खींच लेगी तो जैसे अगर आप बहुत ब्राइट मेजेंटा या फूशिया कलर या बहुत ब्राइट रेड ऑरेंज इस तरह के कलर्स पहनते हैं तो सारा इंटरव्यूअर का फोकस उस कलर पे आ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक नहीं देता है कौन से कलर्स पहन सकते हैं कोर्स यू कैन वेयर एनी पेस्टल कलर एनी सटल कलर न्यूट्रल कलर्स यू कैन कंसिडर ऑल दोज ब्लैक्स ब्राउन्स डार्क ग्रे वाइट्स बेज क्रीम ये सारी कलर फैमिली आप आराम से बिना टेंशन के पहन सकते हैं ब्लू की भी सटल टोन्स आप आराम से पहन सकते हैं डार्क ब्लू नेवी ब्लू भी चल जाएगा बट डोंट गो फॉर दोज ब्राइट शॉकिंग पोशन ब्लूज जो कि बहुत सुंदर लगते हैं बट इंटरव्यूज पे उसको वाइट कीजिए यू कैन ऑल्सो वेयर दोज पाउडरी कलर्स यू नो पाउडर पिंक पाउडर ब्लू लेमन येलो सो लाइट कलर्स पेस्टल कलर्स आप बिना टेंशन के आराम से पहन सकते हैं डोंट एड टू मच कलर इन लाइक इन द कंप्लीट अटायर जैसे कि कुर्ता बॉटम और दुपट्टा अगर आप पहनते हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर आप उसको मोनोक्रोमैटिक लुक कर सकते हैं मोनोक्रोमैटिक लुक मतलब जस्ट एक ही कलर ऊपर से नीचे सो कुर्ता बॉटम और दुपट्टा एक ही कलर का हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मे बी कुर्ता आप एक कलर का पहन लीजिए बॉटम और दुपट्टे को मैच कर लीजिए सो दैट इज़ समथिंग विच कैन बी ईजीली डन किस तरह के प्रिंट्स बिल्कुल भी नहीं आपको पहनने हैं सो ऑल दोज बिग मोटेज बिग फ्लोरल डिज़ाइंस पेजलीज टू मच ऑफ कलमकारी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मोटिवस बहुत बड़ा बड़ा फ्लार्स बिग जोमेट्रिकल डिज़ाइंस बिग एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस वो सब बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं किस तरह के प्रिंट्स पहन सकते हैं आप सी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट्स इज समथिंग आई वुड पर्सनली नॉट रेकमेंड आई ऑब्वियसली रेकमेंड एनीथिंग विच इज़ सॉलिड अ सिंगल कलर प्लन कलर्स कुर्ता इज़ समथिंग विच आई विल डेफिनेटली रेकमेंड आई एम श्योर हर लड़की के पास एक प्लेन सॉलिड कुर्ता ज़रूर होता है तो अगर नहीं भी है तो बहुत ईजीली अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मार्केट में मिल जाता है ऑनलाइन मिल जाता है तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं उसका लुक बहुत अच्छा आता है इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल सो मेरी रिकमेंडेशन है फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रिंट आप अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर करें उसके अलावा अगर आप नहीं ऐसा कुछ पॉसिबल है फॉर सम रीज़न अगर आप नहीं ख़रीद सकते हैं टाइम क्रंच है या कुछ और इशू है तो आप सेल्फ़ प्रिंट वाला कुर्ता कोशिश कीजिए कि सिलेक्ट करें जो कि यू नो उसी कलर में ही उसका प्रिंट का कलर भी सेम होता है जो बेस कलर होता है कुर्ते का उस तरह का कुर्ता आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर बहुत छोटे मोटिव्स बहुत छोटा छोटा डिज़ाइन हो पोलका डॉट हो बारीक चेक हो लाइट कलर्स में हो बहुत ब्राइट शॉकिंग कलर्स में ना हो इस तरह का आप प्रिंट सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरह की नेक लाइन्स कुर्ते की आपको सिलेक्ट करनी चाहिए आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में मैंशन किया था नो स्वीट हार्ट नेक्स नो डीप नेक्स नो बोट नेक नो ड्रॉप शोल्डर इस तरह के कोई भी फैंसी डिज़ाइंस इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं सो द बेस्ट इज़ टू वेयर अ बैंड कॉलर और अ सेमी बैंड कॉलर हाफ बैंड कॉलर भी पॉमिसिबल uh, है अगर आपको बैंड कॉलर से दर्द होने लगता है सर्वाइकल हो जाता है या नहीं पहन सकते हैं या बहुत शॉर्ट नेक है और आपको लगता है कि वो मेरे को सूट नहीं करता है सो एट मैक्स यू कैन वेयर अ राउंड नेक और अ स्क्र नेक दैट इज़ दैट शुड नॉट बी टू डीप सो सेवन टू सेवन तक का जो डेप्थ uh, होता है उतना ही एक एक्सेप्टेबल मैक्सिमम आप डेप्थ नेक लाइन में अपने रखें उससे ज़्यादा नहीं बैक डीप बिल्कुल भी नहीं सो यू शुड नॉट वेयर बैक डीप कुर्ताज़ फॉर एन इंटरव्यू चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं बॉटम्स की बॉटम्स में आपको क्या अवॉइड करना है नो शराराज नो गराराज नो फ्लैड प्लाजोज कोई भी धोती पैंट ट्यूलिप पैंट इस तरह की कोई भी बॉटम्स आप इंटरव्यूज़ में नहीं पहनेंगे इंटरव्यूज में आप सिर्फ स्ट्रेट ट्राउजर्स बिल्कुल स्लिम फिट uh, जो नैरो ट्राउजर्स सिगरेट पैंट्स भी बोलते हैं उस उस तरह के आप ट्राउजर्स पहनेंगे चूड़ीदार पहन सकते हैं अगर आपका काफ लेंथ कुर्ता है तो वो भी अच्छा लगता है बेसिकली ट्राउजर्स चूड़ीदार और एट मैक्स स्ट्रेट प्लाजो इज समथिंग दैट यू शुड वेयर अब आ जाते हैं दुपट्टास के बारे में अगर आपको लगता है कि आप बहुत कंफर्टेबली दुपट्टा कैरी कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट उसमें भी आपको एनी दुपट्टा दैट फॉल्स कीप फॉलिंग उसका जो फैब्रिक है इस तरह का होता है जो अनकंफर्टेबल हो जो दुपट्टा गिरता रहे फॉर एग्जांपल और जो बहुत ज़्यादा यू नो गिरते रहते हैं उनको संभालना मुश्किल होता है उस तरह के दुपट्टज बिल्कुल भी ना पहने वेयर अ दुपट्टा दैट यू आर कम्फर्टेबल विद जिसको प्रॉबर्बली आप फोल्ड करके गले में पीछे से डाल सकते हैं या साइड में भी आप एक साइड पर डाल सकते हैं या फिर अगर आप इस तरह से पहन के कम्फर्टेबल हैं यू नो जस्ट लाइक अ प्रॉपर दुपट्टा देन यू कैन वेयर इट लाइक दैट अगर आप दुपट्टा डॉच करना चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं कुछ और पहन लूँ दुपट्टे की जगह तो आप एक जैकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप कोई भी जैकेट और ब्लेजर अगर गर्मियां हैं तो आप समर ब्लेजर भी, भी पहन सकते हैं आप जैकेट पहन सकते हैं आप कुछ वेस्ट कोट टाइप कुर्ते के साथ प्लेन कुर्ते के साथ पहन सकते हैं अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो जैसे मैंने कर रखा है मैंने स्काफ़ को नॉट करके ऐसे गले में डाल रखा है सो विद अ कुर्ता आई हैव वन अ स्काफ़ यू कैन डू दैट एज़ वेल तो स्कॉफ़ या फिर स्टोल जो छोटा वाला साइज़ का स्टोल होता है उसको भी आप इस तरह से पहन सकते हैं ये बात हो गई दुपट्टास की फुटवेयर के भी फटाफट से बात कर लेते हैं कि इंडियन वेयर में किस तरह के फुटवेयर्स हमको पहनने नहीं चाहिए इंटरव्यू में आपको कोई भी शिमरी वर्क वाला क्रिस्टल्स लगे हैं बीड्स लगे हैं उस तरह के बिल्कुल भी फ़ुटवेयर नहीं पहनने हैं यू शुड नॉट वेयर एनी फ्लिप फ्लॉप्स थोंग्स बाथरूम स्लीपर्स कोर्स वो सब तो बिल्कुल भी नहीं पहनना है एनी फुटवेयर दैट मेक्स टू मच ऑफ नॉइज़ जिसमें बहुत शोर खटखट के आवाज़ हो वो नहीं पहनना है टू मच ऑफ बोल्ड कलर्स बहुत शॉकिंग कलर्स के फ़ुटवेयर नहीं पहनने हैं किस तरह का फुटवेयर आपको बल्कि पहनना चाहिए पहली बात तो आपको क्लोज़ टू फुटवेयर पहनना चाहिए अगर आप वेस्टर्न वेयर पहन रहे हैं या इंडियन वेयर पहन रहे हैं जो भी हो क्लोज़ टू सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है और उसमें से भी अगर आगे थोड़ा सा पॉइंटेड टो तो हो तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी लगता है वो आपको एलोंगेटेड लंबा फील भी देता है और ओवरऑल लुक एकदम चेंज हो जाती है अगर आप वो कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया यू शुड गो फॉर सम प्लेन सॉलिड न्यूट कलर फुटवेयर चाहे क्लोज टो हो चाहे ओपन टो हो लेकिन उस तरह की सैंडल लुक का अगर आप फुटवेयर पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा काफ़ी प्रोफेशनल लुक होगा उसके अलावा ऑफकॉर्स ब्राउन ब्लैक टैन बेज ये सब कलर्स तो डेफिनेटली आप विदाउट गिविंग इट अ थाट आप आराम से इंटरव्यूज़ में पहन ही सकते हैं एज फार एज़ ज्वेलरी इज़ कंसर्नड आई हैव ऑलरेडी मैंशन इन माई प्रीवियस वीडियो आई लिंग इट अपयर हेयर समवेयर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा ही है मैंने ज्लरी के बारे में सारी टिप्स दी है कीप योर ज्वेलरी टू वेरी बेर मिनिमम नो डैंगलर्स नो बैंगल्स नो नॉट टू मैनी रिंग्स सो एनी थिंग विच इज टू लव टू फैंसी इज अ कम्प्लीट नो नो बेसिक स्टार्ट्स मे बी अ छोटा सा पेंडेंट वाला चेन वन और टू रिंग्स एट मैक्स अ वॉच एंड अ ब्रेसलेट आई थिंक दैट सिट अबाउट द इंडियन वेयर लुक बिंदी इज़ समथिंग विच यू कैन वेयर अ वेरी स्मॉल बिंदी इज इज़ गु इफ़ यू हैव अ लुक यू नो अगर आपको बड़ी बिंदी आप थोड़ा लगाते हैं तो वो चल सकती है लेकिन बहुत दैट क्वाइन थिंग जो बहुत बड़ी वाली बिंदी लोग लगाते हैं वो वाली नहीं small to a medium kind of size of bindis okay light makeup uh, almost a no makeup makeup look is something which will really look nice with indian wear अ वेरी लाइट मैट लिपस्टिक अ न्यूड काइंड ऑफ अ शेड और अस शेड विच कॉम्प्लीमेंट्स योर स्किन टोन उस तरह का आप लुक दे सकते हैं बाय द वे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल यू कैन गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट एंड इफ यू वॉन्ट टू सी मोर ऑफ इंटरव्यू एंड ग्रूमिंग स्किल्स वीडियोज देन यू कैन जस्ट लीव अ कॉमेंट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग स्टेप रिजी टेक केयर